अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ। और ईद आपकी कैसी गुजर रही है? अच्छी ही गुजर रही होगी और मैं ठीक हूँ बिल्कुल से। और जी मेरे साथ है अहमद रज़ा। स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। और आज की मेरी लुक कुछ इस तरह से है कि मैंने पहना है शॉर्ट फ्रॉक काफ़ी टाइम के बाद। और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं अपने हाथ। जब मैं अपने हाथों को देखती हूँ मुझे यकीनन अपना कॉलेज का दौर याद आ जाता है। तो वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में। और स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम करने लगे हैं सफ़र। और आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। चलते हैं नीचे पाकिस्तान। पीछे 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 हो। तो फाइनली हम जा रहे हैं ईद के सेकंड डे अपने गांव यानी कि उकाड़ा। और रास्ते में ये इतने खूबसूरत व्यू जिसको मैंने कैप्चर किया था आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मेरी महरोज फातिमा मैडम जो है फुल टाइम जो है वो मूड में, इसने रस्ते में बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत शदीद तंग किया। सलाह गाड़ी ड्राइव कर रहा है और बच्चे जो हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो है मैं वो फुल अपने व्यूअर्स के लिए जो है वो व्यू कैप्चर करी। बहुत खूबसूरत जो है वो रास्ता है और इतने खूबसूरत पहाड़ इस टाइम लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी और पहाड़े पहाड़ थे। हम लोगों ने जाना था मैदानी इलाके की तरफ, इसलिए रास्ते में जो पहाड़ थे और ग्रीनरी थी और जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और ईद का सेकंड डे हमारा फुल ट्रैवल में गुजरा। और यहाँ पे सुबह से हम चले हुए शाम हो चुकी है। जो हमारा रास्ता था 4 घंटों का 5 घंटों का वो हमने 10 घंटों में जो है वो किया था, क्योंकि गाड़ी जो हमारी ख़राब हो चुकी थी और इसकी जो बैटरी है ना वो ख़राब हो चुकी थी। और इस टाइम जो ड्राइव करना भाई की ही हिम्मत की, जिस तरह वो उसने ड्राइव की। फ़र्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारी, हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था। यहाँ पे बच्चों वगैरह को वॉशरूम लेकर जाना था और कुछ खाना पीना था। बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए स्टे किया था। और फाइनली ये हमारी जो है वो गाड़ी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पे जो है वो सारे धक्का लगा रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र था कि उकाड़ा पहुँच के हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी। जी गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और ये है मेरी खाला का घर। तो चलते हैं अंदर। 10 घंटों का सफ़र करके फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने रेस्ट किया। और इधर ही मैं करूँगी अपने व्लॉग को एंड, क्योंकि कल मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी थी। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।